Hey, this is Himanshu Shekhar. आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन. तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय फीफा. तो इसका आंसर रहेगा यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन. अगला क्वेश्चन है नेशनल फुटबॉल म्यूजियम विच कीप्स फीफा कलेक्टेड फीफा कलेक्शंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री. उस म्यूजियम का नाम बताओ जहां फीफा की कलेक्शन रखी गई है. कहां स्थान है उसका? तो उसका आंसर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं स्विट्जरलैंड कनाडा इंग्लैंड फ्रांस. And the answer is England. Who was the first International Cricket Council President? President कौन था पहला ICC का? तो he was Jagmohan Dalmia. Which was the first brand Sachin Tendulkar endorsed in the beginning of his career? पहला brand सचिन तेंदुलकर को एंडोर्स किया था शुरुआत में उसके करियर के शुरुआत में, तो वो था बूस्ट. इन खो खो द प्लेयर्स ऑक्यूपाइंग द स्क्वेयर्स आर नोन एज. द स्क्वेयर्स जहां बैठते हैं खो खो में उन स्क्वेयर्स उनको क्या कहा जाता है? उनको लॉबी तो कहा नहीं जाता, रेडर्स नहीं कहा जाता, दे कॉल एज चेजर्स. इन विच ईयर मिशन ओलंपिक्स इन आर्मी प्रोग्राम वॉज लॉन्च? एंड आंसर इज 2000. Who among the following is first Indian to win an individual gold medal at any Olympic Games? Gold medal की बात हुई है तो ये अपना विंद्रा जी रहेंगे जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में पहला स्थान लिया था और इसके बाद इनको रैंक भी दिया गया था, ऑनररी रैंक दिया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल का टेरिटोरियल आर्मी में. और अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स और गेम्स द टर्म इंटरफेरेंस इज यूज्ड? एंड आंसर इज चेस. यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ये पढ़ लीजिएगा आप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ग्राडो मेडे स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कहाँ था रनगाड़ो में स्टेडियम, कौन से देश में था? तो आंसर है इसका नॉर्थ कोरिया. इसकी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार नोट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैम्पो स्पोर्ट्स क्लब इज ए स्पोर्ट्स क्लब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया इज बेस्ड इन? द आंसर इज पंजिम. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स वाज प्रीवियसली नोन एज मिनोटी? ये तो वॉलीबॉल होगा इसका. मिनोटी विलियम जी मॉर्गन ने इसको इन्वेंट किया था गेम को.
तो इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखा भी है, नोट्स मेंशन किया गया है। मिनोटी कहा जाता था वॉलीबॉल को पहले। विच अमंग द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वुमेन? तो ऑप्शन है हमारे, थॉमस कप, उबेर कप, हेलवेटिया कप, स्पेनिश ओपन, बैडमिंटन। एंड द आंसर इज उबेर कप। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नोन एज फ्लाइंग सिख? ये तो सबको पता होना चाहिए, मिल्खा सिंह जी, जो कि सर्विसेज टीम में थे, इनके ऊपर मूवी बनी बनी हुई है इनके ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स? द आंसर इज काठमांडू। फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स काठमांडू में हुए थे 1984 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? द आंसर इज चेस। ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स हैज बिकम द फर्स्ट एवर टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब? कौन सा पहला ऐसा इवेंट था वो भी जिसको ये ब्रॉडकास्ट हुआ था लाइव यूट्यूब पर? नॉट वेबसाइट यूट्यूब पर जो हुआ था। एंड ऑप्शंस आर 2010 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, फीफा वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग, T20 वर्ल्ड कप। एंड द आंसर इज इंडियन प्रीमियर लीग। कोकाबूरास इज द नेम ऑफ हॉकी टीम ऑफ विच आर द फॉलोइंग कंट्री? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर? ये तो सबको पता होना चाहिए, युवराज सिंह। नहीं, इन्होंने बात की है फर्स्ट बैट्समैन, नॉट की उसके बाद वाला। द ऑप्शन मैंने, द ऑप्शंस आर गिवन हियर, गारफील्ड, सोबर्स, रवि शास्त्री, टन एलिटसन, कपिल देव। एंड आंसर इज गारफील्ड सोबर्स। युवराज सिंह ने भी 6 सिक्स हिट किए थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो मैंने इसके ऑप्शंस नहीं पढ़े इसलिए तो आंसर दे दिया। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? रोवर्स कप ये आपका फुटबॉल के लिए होता है, रोवर्स कप। विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स नेस्मिथ? एंड द आंसर इज बास्केटबॉल। विच आर द फॉलोइंग गेम्स वर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स किसको कहा जाता है? कॉमनवेल्थ को। यस, कॉमनवेल्थ इज द राइट आंसर, कॉमनवेल्थ गेम्स। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वॉज द फर्स्ट टू स्कोर ए सेंचुरी फॉर द इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच? पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने शतक लगाया था अपने डेब्यू पर, डेब्यू टेस्ट मैच पर। एंड द आंसर वाज लाला अमरनाथ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू होस्ट ए टेस्ट मैच इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ऐसे कौन से स्टेडियम से इंडिया में जहां पर टेस्ट मैच हुआ था 1947 के बाद, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में? तो ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्लैक फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री? द आंसर्स द ऑप्शंस आर
फिलिपी मासा, जॉनसन बॉटन, लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो। आंसर इज लुइस हैमिल्टन। द 3 आर्स ऑफ फुटबॉल आर फेमस इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ब्राजील। पेन होल्डर ग्रिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ये तो टेबल टेनिस में होगा पेन होल्ड। यस, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आर द ऑप्शन। एंड द राइट आंसर ऑफ एंड द राइट ऑप्शन इज टेबल टेनिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसीजन रेफरल सिस्टम इज यूज्ड? रेफरल सिस्टम, ऑप्शंस आर हॉकी, टेनिस, चेस, क्रिकेट। एंड द आंसर इज क्रिकेट। इसमें डिसीजन रेफर किया जाता है थर्ड, जैसे थर्ड थर्ड अंपायर के लिए, तो वो उसके बारे में बात की है। बेंसन हैजिस कप इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? द आंसर इज क्रिकेट। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स ऑफ इंडिया वॉज फेमस एज पॉकेट एनमो? पॉकेट एनमो किसको कहा जाता था? लिएंडर पियर्स को, विजेंद्र सिंह को, केडी यादव को, या गुरबख्श सिंह को? एंड द आंसर इज केडी यादव। व्यूअर्स एक बार फिर इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ये आपके DSSB में, DSSSB में, दिल्ली सबॉर्डिनेट सब सेक्शन बोर्ड में, या फिर JKSSB में, या फिर MPSC में, या जो अदर जो फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो डू लाइक, डू शेयर, डू सपोर्ट एंड स्पेशल कमेंट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे, किसी पे डाउट है किसी पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी पे भी। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और बाकी सभी जगह ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज हिमांशु शेखर। बाय।